बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में हजारों मंदिर हैं। इन मंदिरों में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। इन सब के बीच काशी में एक राक्षसी का मंदिर भी है। खास बात यह है कि इस राक्षसी की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह राक्षसी एक दिन के लिए देवी बनती है और मंदिर में उसकी पूजा के लिए कतार लगती है। काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब साक्षी विनायक मंदिर में राक्षसी त्रिजटा का मंदिर है। इन सबके बीच सबसे खास बात यह है कि इन्हें मूली और बैंगन का भोग लगाया जाता है। इस दिन पूरा मंदिर मूली और बैंगन से भर जाता है। हालांकि राक्षसी के मंदिर को देखने के लिए अन्य दिनों में भी भक्त यहाँ आते हैं, लेकिन पूजा सिर्फ साल में एक दिन कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन ही होती है। मंदिर के महंत परिवार से जुड़े सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि कार्तिक मास में काशी में भगवान विष्णु के पूजा का विधान है। पूरे कार्तिक महीने में यहाँ लोग गंगा में स्नान करते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। एक महीने के स्नान के बाद कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन इनकी पूजा की जाती है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन त्रिजटा के पूजा के बगैर उनका यह संकल्प पूरा नहीं होता। यही वजह है कि इस दिन पूजा के लिए यहाँ कतार लगी होती है। कथाओं के अनुसार अशोक वाटिका में त्रिजटा नाम की राक्षसी माता सीता का ख्याल रखती थी। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर ही माता सीता जब अशोक वाटिका से वापस लौट रही थी, तब उन्होंने त्रिजटा को एक दिन के देवी बनने का वरदान दिया था और उन्हें काशी में विराजमान होने की बात कही थी। माता सीता के वरदान के बाद त्रिजटा काशी आई और यहाँ विराजमान हो गई। त्रिजटा माता सिर्फ हमारे यहाँ भी हैं और बाकी लोग ढूंढते हुए, बाकी लोग बहुत दूर से दर्शन करने आते हैं यहाँ पे, उनको मिलती नहीं तो हम लोग बताते कि ये हमारी त्रिजटा माता। और ये जो लोग भी रामायण जानते हैं तो हमारी जो त्रिजटा माता थी उनको हम माता बोलते हैं, उनको हम राक्षसिनी नहीं बोलते हैं। वो रामायण में जो भी रामायण देखे हैं वो त्रिजटा माता को जानते हैं। जब सीता माता थी लंका पे तो त्रिजटा माता ही थी जो उनको अपने साथ रखी थी, उनका पालन पोषण कर रही थी अपने साथ, उनको किसी चीज़ का कष्ट होने नहीं दे रही थी। और ये कार्तिक पूर्णिमा जो महीना होता है उसमें पूरा कार्तिक महीने में नहान होता है और फिर कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन इनका दिन पड़ता है जब यहाँ पे लोग आते हैं बहुत दूर दूर से अपनी श्रद्धा लेकर। यहाँ पे मूली भंटा चढ़ता है और लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं और मांगते हैं कि उनका पूरा अच्छा हो, उनकी भी कोई ऐसे सेवा कर सके जैसे त्रिजटा माता ने किया था सीता माता के लिए। और ये आशीर्वाद उनको सीता माता ने दिया था कि आपका कलयुग भर आपकी ऐसी ही पूजा की जाएगी। साल में सिर्फ एक दिन ही पूजा होती है या बाकी दिन भी पूजा? पूजा जरूरी नहीं है कि एक ही दिन हो, पर लोग मानते हैं कि सिर्फ एक दिन त्रिजटा माता की पूजा की जाती है जो कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन होता है, देव दीपावली का अगले दिन। पर लोग आते हैं बहुत दूर से जो उस दिन नहीं आ पाते हैं, तो हम उनको ये नहीं कहते कि आप दर्शन मत करिए, तो वो आते तो उनको बता देते हैं ये है त्रिजटा माता, वो आते हैं अपना चरण स्पर्श करते हैं, अपना श्रद्धा देखते हैं, प्रणाम करते हैं और धन्यवाद।